नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। तीन दिन में 6 नवजात बच्चों की मौत, अस्पताल प्रबंधन लगा मामले की लीपापोती में। जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में गहन चिकित्सा इकाई में 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मात्र 3 दिनों में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही ये मामला सामने आया तो अस्पताल प्रबंधन मामले पर पर्दा डालता नजर आया। जब मीडिया में खबर आई तो पहले मीडिया कर्मियों को SNCU में जाने से रोका गया। जब उनसे पूछा गया कि अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं तो वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि आपको डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये परमिशन का मामला था या वहां पर फैली अव्यवस्था ठीक करने का तरीका। वहीं इस गहन चिकित्सा इकाई में लगभग 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों का स्टाफ है, लेकिन कोई छुट्टी पर है तो कोई ट्रेनिंग में गए हैं। जब हमने वहां मौजूद डॉक्टर से जानना चाहा कि इतनी मौतें कैसे हो गईं, तो डॉक्टर का कहना था कि बच्चे कमजोर थे जिसके कारण उनकी मौत हुई। यहाँ पर उन्होंने यह भी माना कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी वह पूर्ण रूप से गहन चिकित्सा इकाई के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। आखिरकार प्रसूति विभाग में इन 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नहीं, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का तो नहीं बोलेंगे, डॉक्टर तो यहाँ पे है ही। और वो जो मौतें हुई हैं बहुत अति कमजोर बच्चों की हुई हैं, जो कि एक सामान्य है इस तरह के सेटअप में होना स्वाभाविक है, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल से कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्या कारण था यहाँ पर, क्या प्रशिक्षित यूनिट के लिए डॉक्टर थे वो मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, प्रशिक्षित यूनिट के लिए मैं प्रशिक्षण प्राप्त हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं काम कर ही रहा हूँ। नहीं, उस दिन जब मौत हुई तब आप कहाँ थे? नहीं, मैं केवल एक दिन की छुट्टी पर गया था, वो भी मेरी तबीयत खराब थी, मेडिकल लेके मैं गया था एक ही दिन। दूसरे दिन मैंने सिविल सर्जन ने मुझे बोला तो दूसरे दिन आके मैंने ज्वाइन कर लिया। उस दौरान भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे कार्यरत थे, अनुपस्थित कोई नहीं था डॉक्टर। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कार्यरत थे, क्या वो इस यूनिट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त था उनको या नहीं? पीडियाट्रिशियन होते हैं तो चाइल्ड केयर तो आप हम कर ही सकते हैं, पर इस यूनिट के लिए थोड़ा और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वो शायद उनके पास नहीं था। फीस अधिनियम के विरोध में आज निकाली रैली। इस अधिनियम 2018 के विरोध में प्राइवेट स्कूलों में निकाली विरोध में रैली। उनका कहना है कि यह अधिनियम लाकर सरकार की मंशा स्कूलों को बंद करने की है। इस अधिनियम में प्राइवेट स्कूल में होने वाले हर काम का चेक से भुगतान करना होगा, चाहे टीचर की सैलरी हो या स्कूल का कोई छोटा मोटा काम। वहीं संचालकों का कहना है कि इस तरह से स्कूल हर छोटे बड़े काम के लिए चेक नहीं दे पाएंगे। और भी कई बातें इस अधिनियम के विरोध में की गई। प्रदर्शन इस अधिनियम 16 जून 2018 को जो हुआ है उसमें सारे स्कूलों की स्थिति गंभीर होने जा रही है। उसमें ऐसे नियम रखे गए हैं, शायद उन नियमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की है। उसमें नंबर एक नियम रखा गया है कि प्रत्येक स्कूल का जो भी पैसा जमा होगा, जमा करने के लिए चेक का प्रयोग किया जाएगा, स्कूल का खर्च चेक के द्वारा होगा। तो छोटे छोटे गांवों में इस प्रकार की स्थिति बनना असंभव, क्योंकि इतने बैंक नहीं है जो इन चीज़ों को संभाल सके। दूसरा, 21 रजिस्टरों का मेंटेन करना होगा स्कूल को, उसका बार बार चेकअप होगा। जब बार बार चेक किया जाएगा तो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा, और उसका प्रावधान भी क्लियर नहीं है, जिससे स्कूलों को बहुत सी विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी समस्याएं आएंगी। और इसमें अगला दिया गया है 10% कक्षा 10
और कक्षा 12 में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि गलत है। आगे वो प्रावधान में दिया गया है 10% फीस भी अगर किसी प्राइवेट स्कूल को बढ़ाना है तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, डीओ को लिख के देना पड़ेगा, फिर कलेक्टर महोदय उसका अनुमोदन करेंगे, उसके बाद वो पास होगा। तो इसमें बहुत सी समस्याएं आएंगी, जबकि हमारा माननीय शिक्षा मंडल PPI अपनी मनमर्जी से फीसें बढ़ाती रहती है। अभी फीसें मान्यता शुल्क एवं संबद्ध शुल्क दुगनी कर दी है जो कि स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी भाई एकत्रित हुए हैं और सारे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी के आदेश अनुसार निर्देश अनुसार सारे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और सरकार से अपेक्षा करेंगे कि हमारी मांगों को सुनी जाए, नहीं तो 18 तारीख को फिर 28 तारीख को फिर कार्यक्रम है और आगामी 1 महीने बाद स्कूल बंद आंदोलन होगा जिसमें हम सब प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे। ग्राम करौत के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर को ज्ञापन देने। ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्राम में किसी को भी कोई कुटी नहीं मिली, वहीं जिन लोगों के पास जॉब कार्ड थे उनके पैसे निकाल लिए। इसी की शिकायत करने ग्रामीण पहुंचे आज कलेक्ट्रेट। कोटी मोटी नहीं मिल रहा है, हमें कोटी मिल ही नहीं। तो आपके जॉब कार्ड वगैरह बने हुए हैं? हाँ, जॉब कार्ड वगैरह तो है। आपको जॉब कार्ड का कोई खाता वगैरह है? नहीं, खाता नहीं है, ATM है। ATM है तो जॉब कार्ड का आपको मालूम है कि आपका पैसा आता है कि भी नहीं आता? हमने अभी तक निकला ही नहीं। तो जॉब कार्ड का आपने पैसा अभी तक निकलवाया नहीं है? मान रहे हमें आपका जो कि जॉब कार्ड में पैसा बताया जा रहा है आपके नाम से बताया जा रहा, मतलब अभी बताया 6,000 रुपये बता रहा है। सेक्रेटरी वगैरह कोई आया था आपको अंगूठा मंगूठा लगवाने के लिए? आए थे वहाँ में मशीन लेके आए थे, मशीन लेके आए थे, मतलब अंगूठा लगवा दो। तो जब से आपने चेक किया खाते में पैसे वगैरह है कि नहीं? चेक करे थे, नहीं है पैसा, नहीं है पैसे, एक भी नहीं है। तो 6,000 कहाँ गए? यही नहीं, तो आप कह रहे थे ना 6,000 रुपये हैं, कहाँ गए वो? वही तो पूछ रहा हूँ, आपको पता है क्या 6,000 गायब हो गए खाते में? बैंक वगैरह गए थे आप जांच करने के लिए कि पैसे कहाँ कहाँ है? कहाँ गए? कौन है सरपंच आपके? कौन है सरपंच? क्या नाम है सरपंच का? सरपंच परमार सिंह। और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी परसोदार। छात्र संगठन DSO पहुंचे कलेक्टर ज्ञापन देने। उनका कहना है कि SC ST के छात्रों के ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन के कारण छात्रों को परेशानी आ रही है। कहीं किसी छात्र के पास आधार नहीं है तो कहीं किसी दस्तावेज में एडमिशन की तारीख भी निकल जा रही है। उनकी मांग है कि छात्रों के दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑफलाइन व्यवस्था शुरू की जाए, साथ ही एडमिशन डेट आगे बढ़ाई जाए। छात्र आंदोलन तेज करो, ऑनलाइन पंजीयन प्रोफाइल के नाम पर छात्रों को शासकीय योजना से वंचित करना नहीं चलेगा, शासकीय योजनाओं से वंचित करना नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, छात्रों की समस्याओं का अविलंब निराकरण करना होगा। छात्र संगठन DSO की ओर से हम सभी छात्र कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे। अभी छात्रों का जो SC ST में आते हैं उनका ऑनलाइन प्रोफाइल पंजीयन करवाया जा रहा है। इस पंजीयन में छात्रों को बहुत सारी तकनीकी समस्या आ रही हैं। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास चाइल्ड ID नहीं है, किसी का आधार कार्ड है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। 3 मांग हम लोगों की थी, एक तो प्रोफाइल पंजीयन की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाए, अभी 25 तारीख अंतिम है और कॉलेज में अभी एडमिशन की डेट 10 अगस्त है, तो जो कॉलेज में प्रवेश लेंगे छात्र वो प्रोफाइल पंजीयन तो करवा ही नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोफाइल पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कम से कम किया जाए। दूसरी मांग है कि जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं उनको पहले एडमिशन दिया जाए, इसके बाद प्रोफाइल पंजीयन करवाया जाए। और तीसरी हम लोगों की मांग है कि जो ऑफलाइन पद्धति है उसको भी अपनाया जाए, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू एडमिशन नहीं दिया जाए और ऑनलाइन प्रोफाइल पंजीयन न करवा के सभी को ऑफलाइन फॉर्म भरवा के सभी को योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आज कलेक्ट्रेट में तहसीलदारों एवं पटवारियों की मीटिंग हुई। यह मीटिंग जिलाधीश द्वारा बुलाई गई थी। इस मीटिंग में ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया, साथ ही जिन किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पाया है उनके मामले को भी जल्द निपटाने को कहा गया। उसको भी
एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पकड़े एक दर्जन से ज्यादा शातिर अपराधी। हालांकि अभी तक पुलिस सूत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल रात एक महिला के साथ हुई लूट के बाद ग्रामीणों ने सुबह से ही पारधी समुदाय के अपराधियों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा शातिर पारधी समुदाय के अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। पारधी समुदाय के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस लंबे समय से मशक्कत कर रही थी, जिसे आज ग्रामीणों ने पूरा कर दिया। बगल मध्य गोरे करे नहीं मैन बगल में कर मैं आए ना बढ़िया आग बहन तो मैं नहीं आया यार एक बार भी तो आ गयो नौ हिड़का आयो पागल हो रहे होगा पास तो पिस्टन दे अब बेटा बागबा की मैं सोचो नहीं तो बहुत मारूंगा मैं तुम झागड़ से हमारे सहयोगी जालम करार की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।